तो फ्रेंड्स आज हम लोग बोंजर रेस्टो आए हैं डिनर करने के लिए। ये पड़ता है आपका पार्टी जाने वाले रोड में, चेपापुल से आगे मेन रोड पे ही है। पार्टी जाने वाले रास्ते में ये आशियाना का आपको ग्रीन बाज़ार सामने दिख सकता है, मेन रोड पे ही है, राइट साइड में पार्टी जाने वाले रास्ते में मानगो एरिया में। चेपापुल के बाद फैमिली रेस्टो है, डिनर की प्लान से हम लाए हैं। तो चलिए अंदर चलते हैं, आज क्या डिनर करते हैं आप लोगों के साथ शेयर करते हैं गाइस। तो हमारे साथ वीडियो में कंटिन्यू बने रहे और हमारे चैनल पर जो भी पहली बार आते हैं प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी जो भी लेटेस्ट वीडियोज़ होती है उनकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो फ्रेंड्स चलते हैं फिर अंदर। तो फ्रेंड्स ये है अंदर का नज़ारा बोंजर रेस्टोरेंट का, यहाँ की सीटिंग अरेंजमेंट्स बहुत अच्छी लगी मुझे। अभी तक हम लोग जितने रेस्टोरेंट वगैरह गए हैं तो हमको सीटिंग अरेंजमेंट मुझे यहाँ का बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। आयदा सालान बहुत इन्जॉय करें, यहाँ खेल रहे हैं। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग क्या डिनर करेंगे वो भी शेयर करेंगे आप लोगों के साथ, तो वीडियो हमारे साथ कंटिन्यू बने रहें, इंशाल्लाह एक अच्छी वीडियो होने वाली है। आप देख सकते हैं लुक बहुत प्यारा है, इनसाइड लुक इस रेस्टोरेंट का, तो मुझे तो बहुत पसंद आया, आप लोग भी ज़रूर आए। लोकेशन बिल्कुल इजी है, चेपापुल से आगे पार्टी जाने वाले रास्ते में रोड में ही आपको बोंजर रेस्टोरेंट का बोर्ड दीजिएगा राइट साइड में। फैमिली के साथ आए और एंजॉय करें फ्रेंड्स। बहुत अच्छा लग रहा है गाइस आइजा का, ये है फ्रेंड्स प्रॉन चिली। तो अभी हमने स्टार्टर में इसे ऑर्डर किया है और बच्चों के लिए हक्का नूडल ऑर्डर किया है, तो बच्चे अपना हक्का नूडल का वेट कर रहे हैं। अगर बेटा आप लोग खाना है तो आप लोग टेस्ट कर सकते हो, ठीक है। आयदा दीबा टेस्ट करो और ज़रूर शेयर करो कैसा लगा तुम लोगों को। तो गाइस पहले मेरी वाइफ टेस्ट करेगी और वो बताएगी आप लोगों को कि चिली प्रॉन्स इन्हें कैसा लगा है। सर आप भी टेस्ट करो बेटा, दीबा टेस्ट करके बताओ। माशाल्लाह टेस्ट काफ़ी अच्छा है, स्पाइसी है जैसे हम लोग खाना चाहते हैं और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ का टेस्ट। आप बच्चों को कैसा लग रहा है? मुझे बहुत मज़ा आया माशाल्लाह से। अब सरहान अपना एक्सपीरियंस बताएंगे। कैसे बेटा? बहुत टेस्टी है। चलो भाई खाओ खाओ, खाने पे ध्यान दो, अभी डिस्टर्ब नहीं होगा। गरम है इसलिए बोल रहे हैं पर 10 आउट ऑफ 10 है। चलो तो बच्चों को मेरी वाइफ को प्रॉन्स बहुत अच्छे लगे फ्रेंड्स, तो अभी मैं भी टेस्ट कर लूँ इसे। तो फ्रेंड्स अभी मैं भी थोड़ा टेस्ट कर लूँ चिली प्रॉन्स। गाइस रियली बता रहा हूँ टेस्ट बहुत अच्छा है, अगर आप अगर ये खाते हैं आपका ऐसा फील नहीं होगा कि मैंने गलत चीज़ ऑर्डर किया। चिली प्रॉन मैंने खाया बहुत टेस्टी है, आप लोग भी आए फैमिली के साथ, अगर ये स्टार्टर आपको अच्छा लगता है तो खाए। स्टार्टर्स और भी बहुत सारे हैं जो आप लोगों को पसंद आता है वो खाए, बट हमारे हिसाब से अच्छा लगा हमें। तो गाइस अभी हम लोग और ऑर्डर कुछ करेंगे डिनर के लिए, तो वीडियो हमारे साथ कंटिन्यू बने रहे और देखिए एक अच्छा व्लॉग। तो गाइस ये है आयजा और सरहान के लिए चिकन हक्का नूडल, बच्चों को ये चीज़ बहुत पसंद आती है। सरहान ने कहा पापा मुझे चिकन हक्का नूडल खाना है, तो चिकन हक्का नूडल सरहान और आयजा का। ये बच्चे अभी फिलहाल चिली प्रॉन्स खा रहे हैं, इसके बाद बच्चे स्टार्ट करेंगे उसे खाना। तो गाइस वीडियो में कंटिन्यू बने रहे, इंशाल्लाह हमारी डिनर की आज वीडियो है और अभी हम लोग डिनर के लिए क्या ऑर्डर करते हैं, बिरयानी है अदर कुछ ऑर्डर करते हैं वो आप लोग से शेयर करेंगे। तो वीडियो में कंटिन्यू बने रहे और हमारी वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखें
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। ओके फ्रेंड्स, तो फिर करते हैं कंटिन्यू। तो सरहान कैसा लगा बेटा आपको? टेस्टी है। ओके चलो आप लोग खाओ, ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करेंगे आप लोग को, ठीक है? आयदा बेटा, आयदा आप भी खा लो आयदा, ठीक है? जल्दी ले खा लो बेटा। तो फ्रेंड्स, बच्चों लोगों को हक्का नूडल पसंद आया, ऐसे भी इन्हें नूडल्स हमेशा ही पसंद आता है, बट सरहान को टेस्ट अच्छा लगा यहाँ का। तो अभी हम लोगों ने दम बिरयानी ऑर्डर करी है, दम बिरयानी में 5 से 7 मिनट लगेगा, तो अभी दम बिरयानी हम लोग जब खाएंगे आप लोग ज़रूर शेयर करेंगे कि टेस्ट कैसा लगा हमें। तो फ्रेंड्स, ये है चिकन हैदराबादी दम बिरयानी। सरहान तो अपना नूडल्स में बिज़ी है, अभी हम लोग का भी जस्ट हमारा ऑर्डर आ गया है, तो अभी हम लोग इसको सर्व करते हैं और खा के बताते हैं आप लोगों को कैसा लगा। अभी डालते हैं प्लेट में, उसके बाद मैं और मेरी वाइफ इसे टेस्ट करेंगे और बताएंगे आप लोग कैसा लगा फ्रेंड्स। और ये मसाला कोल्ड ड्रिंक्स है, सरहान ने कहा कि पापा ऑर्डर करो, तो ज़रूरी था बिरयानी के साथ अगर मसाला कोल्ड ड्रिंक्स या कोल्ड ड्रिंक्स मिले तो बहुत मज़ा आता है। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स हम लोग खाना। तो फ्रेंड्स, अभी दीवा को तो खाने का प्लान नहीं है, दीवा ने कहा कि हलीम खाएंगे, तो अभी मैं बिरयानी टेस्ट करता हूँ, चिकन हैदराबादी बिरयानी कैसी है। तो गाइस, मैंने एक चम्मच टेस्ट किया, अभी से पूरा खाऊंगा, बट रियली में अच्छी है, टेस्टी है, स्पाइसी है। मैंने स्पाइसी बढ़ा के मंगाया था क्योंकि मुझे खाना था। आप लोग बिरयानी आगे खा सकते हैं, चिकन दम बिरयानी जो हैदराबादी स्टाइल में है, मुझे बहुत टेस्ट लगा, मुझे बहुत पसंद आया। तो अभी मैं इसे कंप्लीट करता हूँ, मेरी वाइफ अभी शायद हलीम या कुछ और ऑर्डर करेगी, जब उनका कुछ डिनर खाने का आता तो वीडियो आप लोग शेयर करेंगे। तो गाइस, अभी मैं अपना डिनर कंप्लीट कर लूँ, उसके बाद फिर आप लोगों से आगे मिलता हूँ। फिर तो फ्रेंड्स, मेरा खाना कंप्लीट हो गया है, अब दीवा को कुछ मीठा खाने का दिल हो रहा है, तो दीवा ने थोड़ी बिरयानी खाई, बच्चों को चाउमीन खा ली दीवा ने भी, तो दीवा को अब मीठा कुछ खाने का दिल है, तो उसने कुछ मीठा ऑर्डर किया है। तो फ्रेंड्स, अब खाना पीना कंप्लीट हो गया है, दीवा ने डेजर्ट आइटम में स्वीट लिया गुलाब जामुन, अब दीवा का खाना कंप्लीट, मैंने बिरयानी खा ली, बच्चों ने नूडल खाया प्लस चिली प्रॉन्स खाया हम लोगों ने, अब हमारा खाना कंप्लीट हो गया, डिनर कंप्लीट। तो अब हम लोग सीधा अपने घर की तरफ निकलेंगे। तो फ्रेंड्स, हमारा डिनर कंप्लीट हो गया है, मैंने बिरयानी खाई, दीवा ने बच्चों ने हक्का नूडल खाया प्लस चिली प्रॉन्स खाया और स्वीट्स खाए डेजर्ट में। तो गाइस, ओवरऑल कहने की बात ये है कि यहाँ खाना बहुत टेस्टी है, आप डिनर के प्लान से अपनी फैमिली के साथ आ सकते हैं और डिनर का मज़ा ले सकते हैं। नॉन वेज में भी आइटम्स है, वेज में भी आइटम्स है, तो ओवरऑल खाना बहुत अच्छा है, टेस्टी है, जायकेमंद है। तो आप लोग अगर डिनर का प्लान ऐसा कुछ कर रहे हैं तो ज़रूर अपनी फैमिली के साथ आएँ और यहाँ डिनर का मज़ा लें। तो गाइस, अब हमारा व्लॉग यहीं ख़त्म हो रहा है और इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को हमारा ये व्लॉग्स पसंद आएगा। और जाने से पहले एक ही रिक्वेस्ट कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आते हैं, हमारे कोई भी व्यूवर्स, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, हमारे वीडियोज़ को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, अब बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी जो भी लेटेस्ट वीडियोज़ होती है उनकी नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहे। सो गाइस, अब हम लोग घर निकलने का टाइम हो गया, 10:20 हो रहे हैं, इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखें, हमारी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखें, अपने माँ बाप का ख्याल रखें, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखें और हमें अपनी दुआओं में याद रखें। ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, गुड नाइट।